हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और फाइनली मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एडिट करने में कामयाब हो गया। अब इतनी लेट वीडियो अपलोड करने की स्टोरी ये है कि जब भी मेरी कोई वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है तो मेरा उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो जहाँ एक वीक लगता है वहाँ दो या तीन वीक्स लग जाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में ऐसा हुआ है कि दो तीन वीक्स की जगह दो तीन महीने लग गए। एनीवेज फाइनली मैंने सोचा कि इस वीडियो को ख़त्म करें ताकि और बहुत कॉन्टेंट पड़ा हुआ है मेरे पास, ट्रैवल व्लॉग्स पड़े हुए हैं, ताकि उनकी भी वारी आए यार। तो इस वीडियो का सीन ये है कि मेरा एक दोस्त है जो कि जब मोटर जर्नलिस्ट है, उसको काफ़ी पासेस मिलते रहते हैं, कहीं भी कोई गाड़ी रिवील होती है। तो इस दफ़ा एक पोर्श का इवेंट था जहां वो अपनी गाड़ी रिवील कर रहे थे, तो मुझे भी उसने इनवाइट किया कि आज वो वीडियो शेयर बनाते हैं, शॉर्ट्स लेते हैं। सो वी वेंट देयर एंड इवेंट वॉज रियली गुड। तो ये उसी के ऊपर वीडियो है, आज इसको ख़त्म करते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो का सीन ऑन हो। सो लेट्स गो। पंद्रह बीस मिनट हो गए आए हुए और स्टिल अभी अनाउंसमेंट हुई है कि इवेंट इज गोना स्टार्ट इन 5 मिनट्स। तो इवेंट स्टार्ट होने वाला है 5 मिनट्स में, तो आपको दिखाते हैं इसके क्या सीन होंगे, कौन सी गाड़ी है। लेकिन उससे पहले इधर का एनवायरनमेंट माहौल चेक करते हैं। तो यार अभी तक का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छा माहौल बनाया हुआ था उन्होंने, म्यूज़िक श्यूज़िक डांस वांस और ओवरऑल थीम उन्होंने बॉक्सिंग का सेट किया हुआ था पूरे एरिया में, क्योंकि सम हाउ दे वर ट्राइंग टू कनेक्ट बॉक्सिंग स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी एंड पावर विद द कार, एंड दैट वाज एक्चुअली रियली गुड। आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि मे बी आई लाइक बॉक्सिंग एज वेल। तो एनीवेज 5 मिनट का कह के उन्होंने ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट बाद कार रिवील की, एंड ऑब्वियसली पोर्श थी, एवरीबॉडी लव्ड इट, आई लव्ड इट टू। तो आपके भाई ने फिर उसके भी कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, तो आ जाओ वो भी चेक कर लेते हैं, बना लिए वीडियो तो देख लेते हैं। Shaped by performance, the all new Porsche Cayenne Coupe.
भी हमारा इवेंट ख़त्म हो चुका है और अभी हम इधर से सीधा घर जाएंगे घर। जो कार रिवील की गई है दैट्स रियली ब्यूटीफुल। आपको आई डोंट नो आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही क्योंकि इधर शोर बहुत है। सो आई थिंक बाकी बातें घर जाके बात करेंगे। अब घर आने के लिए बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने छोटा सा हमें एक गिफ्ट हैम्पर दिया जिसके अंदर ये दो छोटी छोटी कार्स भी पड़ी हुई थी और इस तरह कुछ और चीज़ें थी जो मुझे सही याद नहीं कि क्या चीज़ थी। एनीवेज ये अजीब सी दिखने में है तो मैंने इनको ऐसे पहन लिया था। आज वीडियो बनाते हुए मुझे फील हुआ है कि इनका काफ़ी अच्छा वेट है तो सोच रहा हूँ कि मैंने इनको क्वारंटाइन में यूज़ क्यों नहीं किया एज अ डम्बल क्योंकि वेट इनका काफ़ी ज़्यादा है। एनीवेज ये जब वीडियो की फुटेज मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि यार इसका मैं क्या बनाऊँगा वीडियो। मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा वर्जन्स बनाए शुरू में इसलिए काम ज़्यादा हुआ था जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट भी कम हो गया। तो उनमें से एक छोटा सा मैंने क्लिप बनाया था तो वो सोचा कि आँख पे लगा देता हूँ मेरी वीडियो थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी। तो एनीवेज वो आप मुलाजा करें एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें नहीं अच्छी लगी तब भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि क्या पता मेरी दूसरी कोई वीडियो अच्छी लग जाए आपको। तो अब मुँह क्या देखे हो सब्सक्राइब करो जाके क्वारंटीन का ज़माना है तो आप सब्सक्राइब करोगे तो बोर नहीं होगे ना वरना क्या करोगे दिन में। ऐसे भी आजकल पाकिस्तान का यूट्यूब के जितने भी बंदे हैं वो तो बिल्कुल ही इनएक्टिव हुए हुए हैं। एनीवे आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नई गाड़ियों को कवर करा के होश के सीओ को फंड करा के।